हे गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। सो गाइज रेडमी नोट 9 प्रो के लिए यहाँ पर जो है हाइपर ओएस का एक स्टेबल वर्जन रिलीज़ हो चुका है, तो आज मैं इसी रोम पे वीडियो बनाने वाला हूँ। ये रोम जो है मी एटोल डिवाइसेस के लिए है, तो आप इसको पांचों डिवाइसों में इंस्टॉल कर सकते हो, लाइक रेडमी नोट 9 प्रो, रेडमी नोट 9S, रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स, पोको M2 प्रो एंड रेडमी नोट 10 लाइट। इन पांचों डिवाइसों में इसको इंस्टॉल कर सकते हो और इंस्टॉलेशन प्रोसेस सबके लिए सेम रहेगा। तो आज इस वीडियो में इसी रोम का रिव्यू करने वाला हूँ, आपको इंस्टॉलेशन प्रोसेस भी पूरा कंप्लीट तरीके से बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। एंड इसके कुछ नए फीचर्स हैं वो भी मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस आप लोग देख सकते हो यहाँ पर रेडमी नोट 9S दिखा रहा है। ये हाइपर ओएस का स्टेबल वर्जन जो है वो पोर्ट किया गया है, एंड ये पोर्ट किया गया है राहुल सिंह भदौरिया, जो डेवलपर का नाम है, उन्होंने इस रोम को जो है पोर्ट किया है। उनसे मेरी बात भी हुई थी, मैंने टेस्टिंग भी की थी इस रोम की। तो देख सकते हो कुछ इस तरीके से वर्जन आप देख सकते हो 8.16.0.9। एंड यहाँ पर जो ये रोम है ये एंड्रॉयड 14 पे बेस्ड है, आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से। एंड यहाँ पर जो कर्नल है वो थोड़ा सा अलग है पहले से, तो कुछ इस तरीके का कर्नल आपको देखने को यहाँ पर मिलता है, देख सकते हो कुछ इस तरीके से। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले मैं एनिमेशन की बात करूँगा यहाँ पर, तो देख सकते हो यहाँ पर जो यहाँ पर इस तरीके से आप करोगे तो ये क्लॉक, बस आप देखना कि किस तरीके से एनिमेट होके जा रहा है, ये देख सकते हो आप। थोड़ा सा मैं अगर फोकस करूँ यहाँ पर तो आप लोग देखो यहाँ पर इस तरीके से ये क्लॉक आता है एंड इस तरीके से जाता है, ये आप लोग देख सकते हो यहाँ पर। तो ये एक एनिमेशन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। एंड दूसरा वाला है कि कंट्रोल सेंटर इसका कम्प्लीटली यहाँ पर चेंज है। इसके पहले जो मैं हाइपर ओएस का रिव्यू लेके आया था तो उसमें काफ़ी ज़्यादा बग थे, इसमें मोस्टली सारे बग यहाँ पे ख़त्म हो चुके हैं। लाइक यहाँ पर सारी चीज़ें अच्छे से काम कर रही हैं, ब्लूटूथ, वाईफाई, एंड यहाँ पर MI शेयर का जो ऑप्शन है वो भी अच्छे से काम कर रहा है। इसमें कुछ नए फीचर्स भी आपको देखने को मिलते हैं, जैसे यहाँ पर ये कंट्रोल सेंटर अभी देख सकते हो, इसका एनिमेशन काफ़ी स्मूथ है। तो जब आप इस रोम को इंस्टॉल करना तो आप जो है कम से कम इसको एक दिन यूज़ करना, उसके बाद ही आपको जो है ये स्टेबल परफॉर्म कर पाएगा, क्योंकि जिस दिन आप इंस्टॉल करोगे तो इसको सेटल होने में थोड़ा सा टाइम लगता है गाइस, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हैं। तो अभी सबसे पहले हम सेटिंग में चल लेते हैं। सेटिंग में जाने के बाद आप देख सकते हो कि एक नया फीचर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, इंटरकनेक्टिविटी। अगर इसके अंदर आप जाते हो तो यहाँ पर देख सकते हो ये कनेक्टिविटी से रिलेटेड सेटिंग है, तो यहाँ से आप जो है कुछ अपने हिसाब से यहाँ कस्टमाइज़ कर पाओगे। देख सकते हो यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं, तो ये एक ऑप्शन आपको इसमें देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ पर वॉलपेपर एंड पर्सनलाइजेशन में जाओगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये कम्प्लीट तरीके से पूरा चेंज है, देख सकते हो यहाँ पर। तो ये पूरी सेटिंग्स आपको देखने को मिलती है। और एक सेटिंग और है मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर, अगर इस पर आप आओगे यहाँ पे साइलेंट करोगे तो देख सकते हो कुछ इस तरीके से यहाँ पे ये एनिमेट होके आता है, जो कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लगता है, देख सकते हो कुछ इस तरीके से। एंड चार्जिंग एनिमेशन भी कुछ इसी तरीके से आपको देखने को मिलेगा। एंड इसका लॉक स्क्रीन आप देखो कितना ज़्यादा यहाँ पे ख़तरनाक लग रहा है, देख सकते हो एकदम 3D आपको लुक आपको इसमें देखने को मिलता है। अगर आप इस पर होल्ड करोगे इस तरीके से तो यहाँ पर आपको जो है सारे सेटिंग्स देखने को मिलेंगे, देख सकते हो कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से इसको चेंज भी कर पाओगे। यहाँ पे इसको जैसे ये डेप्थ इफेक्ट आपको देखने को मिल रहा है, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये जो लड़की की फ़ोटो है ये टेक्स्ट के पीछे चली जाएगी, अगर इसमें मैं दोबारा क्लिक करूँगा तो इस तरीके से आगे आ जाती है। एंड ये बिल्कुल 3D आपको देखने को लगेगा, जैसे कि अभी देख सकते हो यहाँ पर बिल्कुल 3D देखने को मिल रहा है। अगर आप इसको इस तरीके से अनलॉक करने की कोशिश करोगे तो यहाँ पर देख सकते हो कि एक एनिमेशन आपको देखने को मिलेगा, जैसे मैं जैसे ऊपर करते जा रहा हूँ पीछे का टेक्स्ट गायब हो रहा है, बट ये फ़ोटो ब्लर नहीं हो रही है, आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से। आप देख सकते हो बिल्कुल यहाँ पर टेक्स्ट गायब हो गया था, कुछ इस तरीके से देख सकते हो आप। तो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलता है, बहुत ही अच्छे अच्छे एनिमेशंस आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो कि नए सुपर आइकन्स जो हैं वो भी आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं। विजेट्स में अगर आप जाओगे तो कुछ इस तरीके से नए ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, जैसा कि मैं आप लोगों को दिखा दूँ यहाँ पर। यहाँ पे देख सकते हो आपको नए नए सारे विजेट्स आपको देखने को मिलते हैं, जिसको आप अपने हिसाब से यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। सारी चीज़ें ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप रख पाओगे, यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो देख सकते हो यहाँ पे कैटेगरीज हैं, यहाँ पे अलग अलग आपको विजेट्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पे डिस्कवर में अगर आप जाते हो तो यहाँ पे भी बहुत अलग अलग तरीके से आपको आइकन्स देखने को मिलते हैं, विजेट्स देखने को मिलते हैं, जिसको आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हो। तो ये सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाते हैं यहाँ पर। एंड यहाँ पर इस रोम में आपको कोई कैमरा देखने को नहीं मिलेगा, तो आप उसके जगह पे ये ओपन कैमरा का यूज़ कर सकते हो। ये बिल्कुल अच्छे तरीके से काम कर रहा है, तो यहाँ पर मुझे कोई दिक्कत नहीं आ रही, चाहे वीडियो बनाना हो चाहे आपको फ़ोटो खींचना हो तो इस कैमरे से आप कर सकते हो, बहुत ही अच्छे तरीके से ये चल रहा है, कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पर देख सकते हो कैलकुलेटर की जो UI हो बिल्कुल यहाँ पर चेंज आपको देखने को मिलेगी, यहाँ पर देख सकते हो एकदम बिल्कुल चेंज देखने को मिल रहा है, तो ये काफ़ी अच्छा हो जाता है। यहाँ पे क्लॉक की UI जो है वो भी बिल्कुल आपको चेंज देखने को मिलेगी, जैसा कि आप लोग देख सकते हो
यहाँ पर कुछ इस तरीके से इसकी यूआई देखने को मिलती है। मैं थोड़ा सा फोकस कर लूँ गाइस, ओके। एंड यहाँ पर अगर डायलर का यूआई दिखाऊँ तो वो भी यहाँ पे कम्प्लीटली चेंज है, देख सकते हो। यहाँ पर अगर मैं कहीं कॉल करके आपको दिखाऊँ तो ये यहाँ पर ज़्यादा चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, कुछ इस तरीके से ब्लर इफेक्ट आपको देखने को मिलता है। तो ये सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाते हैं गाइस, कुछ इस तरीके से। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की, इस रोम की परफॉर्मेंस कैसी है। तो यहाँ पर मैं आपको जो है सबसे पहले एंटिटी स्कोर दिखा देता हूँ, कितना निकल के आया हुआ है इस रोम में। तो देख सकते हो काफ़ी अच्छा एंटिटी स्कोर आया हुआ है। तो यहाँ पर आपको जो रोम है परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छे देने वाली है। वैसे भी चाइना रोम के सारे परफॉर्मेंस बहुत अच्छे होते हैं हर रोम के। यहाँ पर अगर मैं गैलरी ओपन करता हूँ तो यहाँ पर कुछ स्कोर्स आपको लोग को दिखा दूँ यहाँ पर, तो देख सकते हो। सबसे पहले तो आप देख लो यहाँ पर CPU नो थर्मल थ्रॉटलिंग डिटेक्टेड, यहाँ पर बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस इस रोम की होने वाली है। देख सकते हो बिल्कुल ग्रीन ग्राफ आपको देखने को मिल रहा है। एंड यहाँ पर जो गीक बेंच स्कोर है कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलता है, तो यहाँ पर स्कोर आप देख लो। एंड यहाँ पर वाइड वन एलेवन की बात करूँ तो बिल्कुल अच्छे तरीके से यहाँ पर सपोर्ट कर रहा है, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। एंड यहाँ पर जो इसका फाइल मैनेजर है वो भी चेंज है, मैं आप लोग को दिखा देता हूँ यहाँ पर। तो कुछ इस तरीके से इसका फाइल मैनेजर है, देख सकते हो पूरा यूआई इसकी चेंज है। तो कुछ इस तरीके से ये काम करता है गाइस। इस रोम को इंस्टॉल करने के लिए मैं आप लोग को बता रहा हूँ कैसे इंस्टॉल करना है, पूरा वीडियो देखना गाइस, ओके। तो इस रोम को इंस्टॉल करने के लिए आपको एक ही फाइल की ज़रूरत पड़ेगी, पिछली बार आपको 3 फाइल की ज़रूरत पड़ रही थी, बट इस बार आपको एक फाइल की ज़रूरत पड़ेगी जो कि यहाँ पर है HyperOS MI-ATOL V1.0.9.zip, ठीक है। इस रोम को आपको जो है फ्लैश करने के लिए FBE V1 की रिकवरी की यूज़ करनी पड़ेगी, जो कि बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन का ऑरेंज फॉक्स का आया हुआ है। तो रोम और रिकवरी दोनों को लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके डाउनलोड कर लेना गाइस, ठीक है। तो इंस्टॉल करने के लिए आपको सबसे पहले अपने फ़ोन को ऑफ़ करना पड़ेगा, तो यहाँ मैं ऑफ़ कर लेता हूँ। एंड रिकवरी में जाने के लिए पावर बटन वॉल्यूम अप बटन एक साथ प्रेस करेंगे एंड थोड़ी देर होल्ड करेंगे तो हम रिकवरी में यहाँ पे बूट। ओके गाइस, तो देख सकते हो मैं रिकवरी में बूट हो चुका हूँ। एंड यहाँ पर मैं FBE V1 वाली रिकवरी यूज़ कर रहा हूँ, जो कि बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन की अभी आई हुई है। इस रिकवरी का लिंक और रोम का लिंक दोनों का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके डाउनलोड कर लेना। तो यहां पे मैं क्लिक करता हूं एंड यहां पर जाता हूं, मैंने अपने SD कार्ड में रखा हुआ है। एंड यहां पर मैं इस पर क्लिक करूंगा इस तरीके से एंड स्वाइप टू इंस्टॉल कर दूंगा। जब ये रोम कम्प्लीट आपका फ्लैश हो जाएगा तो आप यहां पर आ जाना, देन डिलीट बटन पर आना एंड यहां पर फॉर्मेट डेटा, एंड यहां पर आपको टाइप करना है यस इस तरीके से, थोड़ा सा फोकस हो जाए यहां पर, यस लिख के एंड यहां पर ओके कर देना। उसके बाद आपको जो है यहां पर आना है, देन रिबूट, उसके बाद सिस्टम, उसके बाद ये रिबूट हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस तरीके से है। अभी इसका बूट एनिमेशन भी मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ कि HyperOS का बूट एनिमेशन कैसा आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये बूट हो जाए, थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लगेगा गाइस। उसके बाद आप जो है बूट एनिमेशन देख पाओगे HyperOS का। तो यहाँ पर देख सकते हो कि थोड़ा सा टाइम ले रहा है गाइज। जब ये रोम पहली बार आप इंस्टॉल करोगे, जब ये पहली बार बूट होगा, देख सकते हो यहाँ पर HyperOS Xiaomi HyperOS का बूट लोगो इस तरीके से आएगा। तो जब पहली बार बूट होगा तो ये आपका जो है चाइनीज़ लैंग्वेज में आएगा, तो आप जाके लैंग्वेज में एडिशनल सेटिंग में इसको इंग्लिश में कर लेना, उसके बाद आप इसको यूज़ कर पाओगे, ठीक है गाइज। तो कुछ इस तरीके से था। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर लेना एंड चैनल पर पहली बार आया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना। सो आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल गाइज, एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू। ओके, बाय बाय गाइज़।